आप सभी बच्चों का और पेरेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स में, जिसमें हम बच्चों को पढ़ना लिखना और अच्छी अच्छी बातों की जानकारी देते हैं। साथ में पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा जाता है। तो अभी के हमारे ये जो वीडियो जो है, उसमें जो हम बच्चों को क से लेकर ज्ञान तक के व्यंजनों को किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से लिखना है, उसके बारे में हम बताएंगे। आज हम बच्चों को वर्णमाला में व्यंजन ख के बारे में बताएंगे। बोलो था से ठटेरा, था से ठटेरा, ठटेरा। बताए बच्चों क्या कौन बनाता है ठटेरा, क्या बनाता है ठटेरा? बर्तन बनाता है, हाँ बर्तन बनाता है ठक 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 करके। बोलो खासी ठोड़ी, यहाँ कहाँ ठोड़ी कहाँ है? बोलो खासी ठोड़ी, खासी ठोस, ठोस मीन्स हार्ड। हार्ड क्या क्या चीज होती है? जैसे पेंसिल होती है, पेन है, टेबल है, कुर्सी है ना, ये क्या होता है? ठोस, ठोस मीन्स हार्ड। बोलो खांसी ठप्पा, ठप्पा मीन्स क्या होता है? भाई जो कोई कागज होता है उसके ऊपर हम स्टैंप लगाते हैं, तो स्टैंप को कहते हैं खांसी ठप्पा, ठप्पा। वेरी गुड। अब हम आपको खांसे सम को किस प्रकार से लिखना है उसको, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं ठा से ठटेरा। उसके लिए ये भी बहुत आसान शब्द है। जैसे हमने ठा बनाया, सेम वैसे ही करना है और बस उसमें जो आधा जो गोला होता है उसको पूरा करना है। एक दूसरी लाइन पर एक दो बिंदी मारी, एक इसको मिलाया और इसको गोला एक बनाया, नीचे की लाइन से मिलाते हुए गोला ठा और ऊपर एक पड़ी रेखा खींची, ठा से ठटेरा, दो बिंदी लाया, एक गोला बनाया, ऊपर पड़ी रेखा, ठा से ठटेरा, दो बिंदी, नीचे रेखा को मिलाते, नीचे वाली रेखा को ऊपर एक पड़ी रेखा, ठा से ठटेरा, दो बिंदी को मिलाया, नीचे एक गोला बनाते हुए ऊपर एक पड़ी रेखा बनाएंगे, बोलेंगे ठा से ठटेरा। इसी तरह इस लाइन में दूसरी रेखा पे और तीसरी रेखा के बीच में एक बिंदी, एक छोटी सी खड़ी रेखा और एक ऊपर पड़ी रेखा, ठा से ठटेरा, इसे मिलाया, गोला बनाया, ऊपर एक पड़ी रेखा, ठा से ठटेरा, दो बिंदियों को आपस में सीधी रेखा खींची, ठा से ठटेरा, दो बिंदी मारी, इसको एक सीधी रेखा, एक गोला बनाया और एक ऊपर ठा से ठटेरा। ता के बाद ठा व्यंजन का बार बार अभ्यास कराना है और उसको ठा व्यंजन का एक बोल्ड लेटर में बना के देना है व्यंजन, और उसको उसमें बार बार कलर बना भरवाना है और उससे संबंधित कुछ चित्र बना के देने हैं कि आसान वाले, और बच्चों को उसमें कलर भरवाने कि जिससे यह शब्द उसके दिमाग में सही से बैठ जाए। और अगर आप लोगों को, आप बच्चों को, आप पेरेंट्स को अगर हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें।